अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी हम निकल रहे हैं गटाने की साइड और दो दोस्त हमारे वहाँ पर और मौजूद हैं। हमने सारा सामान अभी अपना ले लिया। ब्लॉक आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? चलें चलते हैं गटाने। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? ठीक ठाक। दैट्स माई न्यू ब्लॉग। अब हम आए हैं गडानी। ये हमारे राशिद भाई हैं और अपना आप बात करें। हाँ जनाब, हम लोग इस टाइम गडानी के खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं घूमने और आपको भी साथ घुमाने के लिए आए हैं। तो आपको हम नई लोकेशन आज दिखाएंगे और आप यहाँ पे आया करें, इंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो लाजमी करना है, शेयर नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? आपने हर हाल में करना है और इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल में मज़ा आएगा। हम आपको नई से नई लोकेशनें दिखाएंगे क्योंकि हम लोग जो टूरिस्ट हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, नई नई लोकेशनें आपको दिखाएंगे, आप चिल करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ अटैच रहें इंशाल्लाह आपको। ओके, व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे इस भाई के पास से हमने चाय पिए और यकीन करें बड़ी टेस्टी चाय से बनाई है हमारे लिए और पिलाई है, और जिसके इसने पैसे भी हमसे लिए कि आप कराची से मेहमान आए हो। तो ये हमारे भाई, भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम भाई है। और इनको आप दिखाएं भाई, इनको दिखाएं। ऐसे लोग कम ही होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग कम ही होते हैं कि जो इतना किसी के मेहमान नवाजी का ख्याल करें। और ये गडानी का वही पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया है, और ये पुकारों का पॉइंट है। और ये भाई हैं, इनके पास आए, इनसे लाजमी मिले क्योंकि बहुत नाइस पर्सन बंदे हैं। चाय बहुत प्यारी है इनकी और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। इतना लंबा सफ़र अगर कराची से करके आ रहे हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ओके, सब ओके। अच्छा मेरे भाई और बहनों, एक को छोड़ के ये देख लो, हम लोग गडानी के व्यू पे पहुंच गए। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो भाइयों की लोकेशन दिखा करो भाइयों को। ये बेहतरीन फैमिली की जगह है, यहाँ आप अपनी फैमिली को लाएं, इंजॉय करें। लेकिन फैमिली को लाएं, अच्छा ये आप देखें, एक खूबसूरत व्यू। शिकारी भी यहाँ पे आते हैं, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत जबरदस्त जगह है। बता भाई प्लीज़ कुछ बताएं व्यूअर्स को आप। माशाल्लाह ये पॉइंट है उगाड़ो, पॉइंट है बहुत प्यारा पॉइंट, फैमिली के लिए बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ फैमिली को लाएं और सुकून से अपना चिल करें। यहाँ पे थोड़े लव आगे पीछे अगर हो रहे तो माइंड नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि नए लड़के हैं तो थोड़ा सा इशू बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपको हम आप यहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ आपके लोगों से बातें भी कराएंगे और लोकेशन आपको दिखाएंगे, वो ज़्यादा मज़ा करेगी क्योंकि पीछे वहाँ पर जहाज़ खड़े हैं। हम आपको जहाज़ भी दिखाएंगे, उनको फोकस करके दिखाएंगे कि आपको बेहतरीन व्यू मिले। थैंक यू। ओके, बस ये देखिए हम लोग एक पॉइंट पे आ गए हैं, पुकारों का ये पॉइंट है, थोड़ा साइड एरिया पे है। तो ये आप देखें लोकेशन इसकी, आप देखें कितनी खूबसूरत है ये। आप बिलखसूस ये जगह देखें, ये जो बीच में एक माउंटेन है, अक्सर शिकारी यहाँ से जब पानी उतरा होता है तो यहाँ पे जाके वहाँ बैठ के शिकार करते हैं। वीडियो ये आप इसका देखें, व्यू देखें। ज़्यादा इस साइड आपको लेके दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ फैमिली है, तो हमें मार खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो इसलिए आपके मेरा कैमरामैन इसी साइड कैमरा रखे तो बेहतर है। ज़्यादातर सर्दियाँ
मार भी बहुत बुरा खाया, बहुत शदीद तकलीफ होती है। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके लोकेशन या खूबसूरत व्यू देखे, यकीन करें कि यहाँ पे फोटो खींचने के जो शौकीन हो, जो वीडियो बनाने के शौकीन हो, बेहतरीन जगह है। कैमरामैन थोड़ा सा आगे इधर आ जाए, थोड़ा दिखा दें, आप इतना दूर खड़े हुए कौन साहब यार, आप इधर ये देखें लोकेशन, सारी भाई को दिखाएं ना, व्यूअर को सारी लोकेशन दिखाएं। ओके, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके सारी लोकेशन दिखाओ यार, नीचे की दिखाओ आप सारी। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लोग अक्सर यहाँ पे पैदल चलते हैं, लेकिन अभी पानी का चढ़ाव है जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया, और कुछ बंदे यहाँ घूम भी रहे हैं जो शिकारी हैं, जो मछली पकड़ने के शौकीन बंदे, वो यहाँ के रात को अक्सर शिकार कराते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा क्योंकि नज़र का मसला है सर, मैं फीमेल गुड़ूम, हाँ तो ये थोड़ा मसला मेरे साथ इशू है, तो मेरा कैमरा बता दो, सब बता दो, फ्री हो जाओ बस, बहुत देखें आप, बहुत सीरियस बहुत हो गया, सही है, ठीक है ठीक, ओके हो गया। क्या ख्याल है, आपको धक्का दूं अगर इसमें आप मछली पकड़ के ला सको? फिर देखिए अगर आप मुझे इसमें धक्का देंगे तो मछली तो मैं खुद बनूंगा, क्योंकि यहाँ पाली बनूंगा, ये नहीं मछली में बनूंगा क्योंकि बचाओ बचाओ की आवाज़ें आएंगी, लेकिन ये कंडीशन देखे आप, यहाँ बचाने वाला मेरा नहीं ख्याल कोई, ये सबसे पहले मेरा साथ छोड़ेगा, क्योंकि ये भी खड़ा हो गया बचाओ बचाओ ही बोल रहा है, छोड़ने वाला नहीं है मैं, सीधा चला जाऊंगा। ये देखा, ये मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं वीडियो बनाने आया हूँ। ओके, वालेकुम चाचा, थोड़ा नीचे देखिएगा। हाँ हाँ, मैं खुद ही शिकारी हूँ चाचा। और क्या हुआ, शिकार लग रहा है या नहीं? अभी तक तो नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा, आज रूटीन सही नहीं है, पानी सही नहीं है, अल्लाह को पता, अभी वीडियो उस पे आएगी, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी आए हैं। अच्छा, क्या रूटीन है, ये पानी चढ़ाव हो गया ना? नहीं अभी चढ़ रहा है, चढ़ रहा है पानी, पानी का भी चढ़ाव है, तो अभी शिकार लगा नहीं है राशिद भाई, क्या लगाया? दोनों लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं, थोड़ा सा मुंह इधर कर लेना, थोड़ा सा यूं हो जाए ना, दोनों ही बेहतर है, जिसमें लग जाए, झींगा ज्यादा बेहतर होता है, उसमें लगते लगता है मैया पे, फिर मैया पे ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कांटों पे। जी बच्चा, और नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक। आपका भाई? नूर अहमद। आप लोग कहाँ से हैं? औरंगी टाउन। ओ, हम भी वहीं से, हम मेट्रो सेट से। जी, तो आज ये पानी सेट सही नहीं है ना, तीन चार बंदे पहले भी निकले यहाँ से गए ना, हाँ। उन्होंने ये बोला पानी सही नहीं है आज, चलो देखते हैं, अभी तो यही है ना, रात तक इंशाल्लाह हो सके और शिकार लगे। हाँ। राशिद भाई, हाँ जनाब भाई, मैं इतने से ढोला वहाँ थे, मैं समा अपनी बात है। अच्छा, क्यों नसीब जाने मारे, जबरदस्त। तो ये आपको लोकेशन कैसी यार? लोकेशन तो बड़ी प्यारी है, और माशाल्लाह आज मौसम भी जबरदस्त है, कराची का मौसम वैसे भी जबरदस्त ही होता है, रात में बारिश भी हुई थी, हाँ फुहार पड़ी थी। हाँ। लेकिन यार कराची का मौसम पंजाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि पंजाब में आपको पता है सर्दी में जाओ तो भी कहर है, गर्मी में जाओ तो भी, ये तो कराची हमारा बेहतरीन बेहतरीन, और मियांवाली का तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। मियांवाली को कहां से पीछे याद कर लिया तूने? मेरा आना जाना ज्यादा होता है ना, इसलिए ये जो हमारे कैमरा मैन है ये भी माशाल्लाह मियांवाली की है। मियांवाली पिछली दफा तो आप इसको कुछ और बोल रहे थे, इस बार ये बोलूंगा। देखे ये मियांवाली के लोग हैं तो तब्दीली होनी चाहिए, तब्दीली आ गई है, आ गई है, क्या खबर तब्दीली आई है नहीं आई हमारे मुल्क में? हाँ, महंगाई बढ़ गई है, तब्दीली आई है ना, लेकिन देखो आप बलोचिस्तान के एरिया में घुसते जाते हो पेट्रोल सस्ता मिलता है, 200 मेरा नहीं मिला, मेरे को 200 मिला, देखो मुझे 220 मिला, आप चौकी से डाला 220 रुपए बोला, 200 रुपए का दिया, मतलब 5 लीटर दिया, 1000 रुपए उसको मैंने दिए। अब आप कराची और क्या चाह रहे, कराची में 280 रुपए लीटर, हाँ महंगा चल रहा है, किलोमीटर के बाद ये में कितना बेनिफिट है यार। हाँ, माशाल्लाह मजा आ रहा है यहाँ यार, मजा ही मजा है, सुकून है। आज शिकारी हजरात यहाँ सारे जो होते हैं कैमरा को, ये सारे रश रहता है, अब ये दो भाई बैठे में, बाकी जो है ना इंशाल्लाह रात को आते रहेंगे, कुछ वहाँ बैठे में भी इंतजार कर रहे हैं मगरिब का, जो कि मगरिब के टाइम शिकार बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे साथ मजीद दोस्त अभी पहुँचने वाले हैं, जो खाना वाना बनाएंगे,
और हम आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे, फिर कुछ शुगर मेला लगेगा उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अगर आप टूरिस्ट हैं तो वैसे भी घूमने फिरने के लिए या जिससे मतलब आता ही है ना कराची के, कराची से बाहर बेहतर है ये जगह, बहुत बेहतर, पुरसकून। देखो सतार भाई, दो दिन की जिंदगी है, जिंदगी को एंजॉय करना यार। मैंने सुना था चार दिन की जिंदगी है। चार दिन का पैकेज खत्म हो गया आजकल, बीमारियां ज्यादा है, ताकतें घी में खत्म हो चुकी है, असली घी कहीं से मिल नहीं रहा, असली घी में मिलावट चल रही है, मिलावट हर एक चीज में। और बदबा हम गाय के अंदर भी मिलावट कर रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के, तो कहाँ से देगी यार दूध, कहाँ से देगी? यहाँ से आ जाए ना, यहाँ से खड़ा हो जाएगा तो। और ये हमारा कैमरा मैन, इसको 10 बार हमें समझाना पड़ता है कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, पर ये बदबा वही का वही खड़ा है। ये नहीं बोला। हाँ क्या बोल रहे थे, इसकी क्या तारीफ कर रहे थे? तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे खूबसूरत बना के, ओए ओए, सारा हुसन कूट कूट के तेरे में भर दिया, बाकी सारे जो है ना यार वापस आ गए बर्तन लेके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कभी तकब्बुर नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। वैसे वो व्यूअर्स बता सकते हैं है क्या तब तकब्बुर के लिए तुम्हारे पास? वैसे व्यूअर स्मार्ट कौन लग रहा है आपको? सॉरी चश्मा लगा, माशाल्लाह चश्मा लगा के तेरे बाल तो सही है। नहीं मैं बाल बैठे होंगे, मैं आपकी भी बता दूंगा फायदा। अभी देख बात ही नहीं कड़ी पकौड़ा जो तूने बोला था वो बड़ा प्यारा बना। उसको भी एडिट कर दियो बीच में, ऐसे नहीं है वो वीडियो पता नहीं कहाँ मेरे पास है ना, घर पे पड़ी होगी, रिजल्ट में फर्क होगा ना फिर। हाँ ये अभी क्या बोले, अभी जो है अच्छा, अभी जो है व्यूअर्स हम आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाएंगे जो आपने ना लाहौर में देखी, ना फैसलाबाद में, ना कराची की स्टेज पे। हमारे सत्तार भाई हैं, इनका टिकटॉक चैनल भी है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो ये आपको डांस दिखाएंगे आज, आप यकीन करो चक दे पट्टे तो उल्लू दे पट्टे हो जाएगा। कुछ और नहीं आता, मुझे गाड़ ले, शुगर में लग जाएगा तो बनाने। ये कौन सा शुगर ले, मुझे मुजरा करवा रहा है तू? तो तू कर तो रहा है, कौन सा शुगर ले बे? अबे कर तो रहा, टिकटॉक पे चल तो रहा है। अबे तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? मेरा मोबाइल में भी बातें कर रहा हूँ ना, तू भी आगे से शुरू। अच्छा तू बना है अब दासी से की जगह, तो साफ सुथरी जगह हो गई, बहुत अच्छी आ रही है। समंदर भी है, शुगर में डांस हल्का होगा, क्लिप बना पाए ना वो भी बना लेंगे। ऊपर अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में फोकस टूट जाएगा, मजा नहीं करेगा। फिर वही बात है, जो लाइट लाए वो भी तुमने माइक पर नहीं, नहीं चल रहा, अच्छा फोकस रखेगा लाइट रात को। हाँ कोई मसला जी सर। होले होले गैर तुला माया, वो क्या बोले थे, शिकार नहीं है भाई आज तो नहीं है। हाँ अभी क्या चक्कर है, तो आप कब आए थे पहले जो शिकार लगा था? अच्छा कितना शिकार करके ले गया था भाई? तकरीबन दो बंदों ने हमने 50 दाने मारे। अच्छा 50 दाने, माशाल्लाह। किलो 4 किलो 5 नहीं छोटे थे सारे, ये साइज के थे वो अब्बा दिल वाले, ये चीज है ना। वो एक ही तरीके की मच्छी थी, वो कौन सी क्या नाम है, सफेद और काली ना। हाँ अब्बा अब्बा ज्यादातर अब्बा क्या नाम बोलते हैं यार, शायद भाई आल आल मारा है। अच्छा माशाल्लाह, टाइमिंग किस टाइम पे लगना शुरू हुआ था? नहीं 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 दिन में 2 बजे का टाइम, 2 नहीं यार। हाँ जबरदस्त 2 बजे का। ये भी जगह बहुत प्यारी है, पुगारों में ये जगह है अपना, क्या बोलते हैं इसको, 0 पॉइंट। आए आपको वो दिखाते हैं, जीरो की मोरी दिखाते हैं, फिर उल्टी बात है। ये है 0 पॉइंट, इसमें इधर आप दिखाएं, देखें ये अभी तो लहरें कम हैं, पानी का दबाव कम है, वरना ये पानी ऊपर तक आता है, शोर बहुत जबरदस्त करता है, बंदा डर जाता खड़ा हुआ बंदा। एक बार तो हमारे राशिद भाई भी डर गए थे समझे। हाँ कहना चाहेंगे जनाब व्यूअर्स, ये आपको 0 पॉइंट हमारे भाई ने दिखा दिया होगा, ये इतना बड़ा 0 पॉइंट है कि ये 0 पॉइंट डायरेक्ट जाके समंदर की गहराई में टच मारता है। और अक्सर औकात यहाँ कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी सी अनोखी आवाज़ें आती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है,
बंदे को खौफ आता है रात को, बिलखसूस जब अंधेरा हो जाता है रात को 12 बजे के बाद। जो वीडियो बनाने के शौकीन है, जिस तरह के लोग होते हैं वो एक ड्रोनी वीडियो बनाते हैं कि ये क्या है, यहाँ से क्या आ रहा है, हॉरर मूवी या हॉरर वीडियोज बनाने के, उनके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आके बैठ जाएँ, पूरी रात काली करें अपनी, उसके बाद यहाँ से एक आवाज़ें आएंगी, देखा अपनी आवाज़ आई है, ये देखिए अभी आ भी रही है। तो इस चीज़ को आपको बड़े लाइक मिलेंगे और आपकी वीडियो बड़ी शेयर भी होगी कि यार ये इसमें क्या है आखिर, जबकि इसमें कुछ भी नहीं, इसमें वो पानी है आगे दीवार को हिट करता है, इधर से उसकी ऑक्सीजन या पानी का प्रेशर निकलता है और लोग बोलते आवाज़ आ रही है, जबकि छणकड़ा भी कुछ भी नहीं है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, इस टाइम रात के 1 बज चुके हैं और यकीन करें ठंड से हमारा सत्या तो फिर नाश हो चुका है। सर्दी बहुत है, सर्दी शदीद है। हम लोग असल में कुछ सामान लाए थे, माचे वगैरह, वो कोई हमसे रास्ते में गिर गए और यहाँ पे दूर दूर तक दुकानें छोड़े, घर छोड़े, किसी चीज़ का कुछ लेन देन नहीं। अभी मजबूरन हम इस हट के नीचे छुप के बैठ गए कि यह हवा कम आएगी, पर यहाँ पर भी हमारा सत्यानाश हो चुका है। अच्छा, इस हट की मैं आपको खासियत बताऊँ जो आपको आते किसी ने बताएगी मेरे अलावा, कि यहाँ जो बंदा सांस बंद करके 7 चक्कर मारेगा, जो भी मन्नत मानेगा पूरी है, पूरी ना हो गारंटी मेरी है, ठीक है बाबा। नहीं आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि 7 चक्कर जब इधर के लगेंगे ना तो वो सीधा 7वें आसमान पे जाएगा। तो मेरे भाई ये बड़ी प्यारी जगह है, चलिए तो मजाइया बात हो गई, गपशप हो गई, इसलिए कि आपको इंजॉयमेंट कराने के लिए कि आप लोग हमारे चैनल को देखें और लाजमी देखें। माइक क्या माइक मेरे को बोल रहे, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, ये बता। मेरा मोशन टूटना नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी है डीजल इंजन। अच्छा, ये फौर उठते हुए टाइम सर्दी है, सर्दी है और इंजन तो स्टार्ट नहीं होता। हाँ। अच्छा, तो मैं कुछ कह रहा था मेरे बहनों और भाइयों एक को छोड़ के, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप फैमिली के साथ आए लाजमी है, अगर नहीं आए तो ये आपकी अपनी गलती है, आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं कहूँगा अपनी वाइफों के साथ आए, फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ आए, या पूरी वाइफ हो, मतलब आज के लिए शादी पे गुजारे नहीं। मौलवी तारिक साहब कहते हैं कि 2 शादियां लाजमी है। तारिक मसूद सॉरी मैं नाम पूरा नहीं जानता, मैं मादर था हूँ, बड़ी ऊंची शख्सियत है, ऊंची शख्सियत है, उनके बारे में तो हम बोलते हुए 10 बार सोचते हैं, लेकिन वो अच्छा बंदा है, बिल्कुल मेरे से मिलते जुलते हैं, तो कहने तुमसे मिलते जुलते अल्लाह, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 2 शादियों को हम भी प्रमोट करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मैं वाइफ के सामने 1 शादी की बात भी करता हूँ मेरा सत्यानाश हो जाता है। 3 दिन मुझे घर पे खाना नहीं मिलता, खाना छोड़ो चाय भी नहीं मिलती। तारिक मसूद साहब, इस चीज़ में भी कोई आप बात करें, कुछ समझाएं लोगों को, बीवियों को हमारी समझाएं कि इतना इजाज़त दें। खैर आप तो इजाज़त देते रहते हैं कि हमारी बीवियाँ नहीं मान रही, और हम इस शदीद परेशानी में कि अब हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं बिलखसूस नंबर 1 मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी को ये बात भी पता चल जाए तो यकीन करें मुझे ऐसे देखती है जैसे शिकारा जो है अपने शिकार को देखता है। तो तारिक मसूद साहब, फिर बदमाशी हो नहीं सकती, 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आप कुछ कोई बयान आप दोबारा रिकॉर्ड करवाएं कि हम अपनी वाइफ को रिकॉर्ड सुनाएं, जबकि हमने बोला भी है वाइफ को कि यार देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 4 शादियों को इजाज़त दी गई, लेकिन मानती नहीं है, पता नहीं कौन से इस्लाम इन लोगों ने कबूल किया हुआ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, फिर इस बात में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस व्यू पे लाजमी है, तारिक मसूद साहब आप भी लाजमी है, बहुत मजा आएगा। अबे उन्होंने बयान दे चुके हैं ये, तो बयान असर क्यों नहीं कर रहा? नहीं इजाजत लो, डायरेक्ट करो यार। यार देखो ना, देखे आप लोग भाई बगैर याद की तो शादी करते, मुशरफ ने जो ऑर्डर निकाल दिया कि भाई इजाजत ले वाइफ से, बीवी से कौन इजाजत ले, बदबख्तो को ले सकता है इजाजत? किसने बोला? मुशरफ साहब ने ऑर्डर निकाला हुआ ना, कानून नाफिज है। कब निकाला था ये मुझे याद नहीं, वो फोत होगा, मुशर्रफ साहब तो फोत होगा। तुम सबको मारता रहो। हाँ ठीक है, ओके अब्बू समेत। मुझे पता था कुकर का पड़ी थी, पहले बोल दिया। सही है जी, अब हम चलते हैं यहाँ से वापस कराची, ठीक है? तो अभी रात बहुत हो गई है, ठंडक भी बहुत है यहाँ पर, तो अब गुजारा मुश्किल है, सफ़र भी बहुत लंबा है यहाँ से, और तनहा है, 4 बंदे बमुश्किल हो गए हैं, चौथा फ्रंट में कैमरे के आ नहीं रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा साइकोपैथ है आपको कह सकते हैं, और ये दूसरा बेचारा हमारा कैमरामैन है जो सर्दी में हमारी वीडियो अपलोड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मेहनत का सिला दें आप लोग के वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ चौथा भी तो वो भी करें प्लीज़। और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके चलो जी, ओके अल्लाह हाफिज़।